हेलो फ्रेंड, आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मावा का गुजिया। मावा और रवा का गुजिया है और अभी फेस्टिवल टाइम है तो आप फेस्टिवल से कुछ दिन पहले बना करके इसे रख लें और इसे जब आपके यहाँ मेहमान या जब भी आपकी इच्छा हो तो इसे आप सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये 8 से 10 दिन तक ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। गुजिया बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैदे का डो तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। 3 कप मैदा के अंदर 3 टेबल स्पून मैं शुद्ध घी ले रही हूँ और मैदा और घी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मोयन और पड़ेगा इसके अंदर। मैं 1 टेबल स्पून और डाल दे रही हूँ। देखिए मुट्ठी बंद रहा है, इसका मतलब मोयन अब इससे ज्यादा घी मैदे के अंदर नहीं पड़ेगा। 1 कप पानी है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं पूड़ियों के जैसा डो तैयार कर लूंगी। जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है उसे भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। 1 कप पूरा खाली हो चुका है तो 3 कप मैदे में 1 कप पानी मुझे लगा है। मैदा गूंद गया है तो अब मैं इसे सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जब तक मैदा सेट हो रहा है तब तक मैं इसके अंदर की फिलिंग की तैयारी कर लेती हूँ। ये 400 ग्राम मावा है, और गैस का फ्लेम मैं लो रखती हूँ। लो फ्लेम पे जो है वो मावा जो है भून लेंगे। ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का। गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये इलायची पाउडर है, इसे भी मैं मिक्स कर दे रही हूँ इसके अंदर, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो पूरे मावा में अच्छे से फैल सके। 400 ग्राम मावा में मैं 1 कप भुना हुआ ड्राई रोस्ट किया हुआ रवा डाल रही हूँ, यानी कि सूजी। आप चाहें तो आधा कप रवा इसके अंदर और डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं कोकोनट पाउडर डालूंगी, वो भी 1 कप। इसके लिए मैं रवा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप कोकोनट पाउडर नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चाहें तो रवा भी नहीं डालें, बस 1 कप रवा डाल के छोड़ दें या बिना रवा का ही मावे का गुजिया बना लें। और अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, बादाम, किशमिश, नारियल, ये सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं और चाहें तो और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप। एक कप मैं ड्राई नारियल का पाउडर डाल रही हूँ। घी डाल रही हूँ।
और ये 2 टेबल स्पून, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। एक कप साबुत चीनी डाल रही हूं मैं, आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1/2 कप चीनी यानी 1.5 कप चीनी मैं इसके अंदर डाल रही हूं। चीनी जो है अभी फ्राई होना है गुजिया को, तो चीनी ऐसे ही पिघल जाएगा, इसके लिए मैं पीस के नहीं डाल रही हूँ। आप पीस करके डाल सकते हैं, आप चीनी की जगह खांड भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे ढक दे रही हूँ। गुजिया का फिलिंग ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल चुकी हूँ फिलिंग को, और एक मैं गुजिया बनाने का स्टैंड ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं घी लगा दे रही हूँ चारों तरफ, जिससे गुजिया का जो पूड़ी है वो चिपकेगा नहीं और गुजिया अच्छे से इसके अंदर से निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं। आटे का छोटा सा लोई ले रही हूँ, लोई को मैं राउंड कर लूँगी और गोल करने के बाद मैं इसे पूड़ी से बड़े साइज का बेल लूँगी, और इसका जो थिकनेस है ना ही तो मैं ज़्यादा पतला करूँगी और ना ही ज़्यादा मोटा रखूँगी। इसे पूड़ी बेलने के बाद मैं गुजिया का जो स्टैंड है उसे ले लूँगी और उसके ऊपर मैं पूड़ियों को रख दूँगी। पूड़ी रखने के बाद मैं इसके ऊपर फिलिंग डाल दूँगी, मैं 1.5 चम्मच फिलिंग डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलिंग डालने के बाद मैं फिर गुजिया के किनारों पे पानी लगा दूंगी, जिससे ये एक दूसरे में जो परते हैं वो चिपक जाएगा। उसके बाद मैं गुजिया के स्टैंड को बंद कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा पूड़ी है उसे मैं निकाल दूंगी और मैं साइड में रखती जाऊंगी। इसी तरह करके मैं सारी गुजिया को तैयार कर लूंगी। गुजिया तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो एक लोहे का कढ़ाई ले रही हूँ और गैस का फ्लेम मैं लो रखी हुई हूँ। इसके अंदर मैं रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जो है गर्म हो चुका है, तो अब हम लोग एक एक करके इसके अंदर गुजिया डाल देंगे और इसे हम लोग गुजिया डालने के बाद तुरंत इसे नहीं पलटेंगे, थोड़ा रुक करके पलटेंगे और उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। गुजिया बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है और अंदर से ये सॉफ्ट बना है और ये इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है गोल्डन कलर का। तो अब मैं आपको चाकू से कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। ये देखिए, कट करने के बाद अंदर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, चीनी बिल्कुल नहीं है, चीनी पिघल चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरा कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।